तो आप लोग को पता ही होगा एलविस यादव का स्नेक केस में अरेस्ट कर लेने के बाद लगभग सारे उनके क्रिएटर दोस्त उनके सपोर्ट में रिप्लाई रिएक्शन या फिर अपना ओपिनियन जरूर से दिए थे। बट अजू 0008 उस वक्त पे अपने चैनल पे ट्रेवल सीरीज का ब्लॉग अपलोड कर रहे थे और जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अजू और एलविस यादव बहुत अच्छे दोस्त हैं। एलविस यादव के पुराने फॉलोअर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एलविस यादव के अरेस्ट हो जाने के बाद अजू की तरफ से कुछ भी एलविस यादव को लेकर सपोर्टिव रिप्लाई नहीं आया था और जिसके कारण एलविस यादव के फैंस अजू से ऑफेंड हो गए और उनको ये बोलकर हेट देने लगे कि फेक भाईचारा निभाता है, इसको सिर्फ एलविस से फेम लेना था। मतलब ऐसे ऐसे टाइप के बहुत सारे कमेंट्स अजू को हेट में मिल रहे थे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। जिसके बाद अज्जू ने उस चीज पे रिप्लाई करते हुए कहे थे कि सारा सपोर्ट ऑन कैमरा नहीं किया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो कैमरा पे नहीं दिखाई जाती और मैं दिखावे का सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं करता। एक चीज को लेकर कमेंट्स और भी आ रहे हैं। भाई मैं एक चीज बोलूंगा आपको, समझदार के लिए सारा काफी है, सारी चीजें नहीं बताई जाती, सारी चीजें नहीं दिखाई जाती और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट और यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाने से ये चीजें सही नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा मिच्योर बन जाओ। मुझे पता है कुछ ऐसे बालक भी है जो 15-16 साल के 17-18 साल के, उनको लगता है इंस्टाग्राम पे डालने से सब कुछ सही हो जाता है। नहीं भाई, ये चीज़ें सही नहीं होती ऐसी चीज़ों से। तो भाई तो अभी एलविस यादव के बाहर आने के बाद अज्जू 0008 को फिर भी हेट मिल रही थी जिसके कारण अज्जू 0008 बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। एंड उन्होंने अपना स्टोरी में कल रिप्लाई करते हुए कहे, बहुत टाइम से चुप था, अब बहुत हो गया, लिमिट होती है सब चीजों का, बट ये कुछ ज्यादा हो गया, सच जाननी है ना तुम सबको, तो उस पर बात करते हैं। देन इस स्टोरी के बाद एलविस यादव के फैन अकाउंट ने इसी स्टोरी को ट्विटर पे पोस्ट करते हुए कहे, अपने को कि एलविस भाई को कुछ बोला तो पेलना है, बात खत्म। बाकी गाइस जिस चीज पे आप लोग का भी अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। ऑल्सो गाइस जहां पे कटारिया का आज ब्लॉग आ गया उस ब्लॉग में एलविस यादव के केस को लेकर जो एलविस यादव के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे उसको लेकर क्या कहें आप लोग खुद देखिए। पर कोई बात नहीं, अन भला तो सब भला, शुक्रिया एक एक जने का, एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े जने का कि मुसीबत में जो साथ खड़ा होता। भाई पावर गाइस पावर, लेट्स गो। अर्जित बहुत दिनों बाद कटारिया का व्लॉग चालू हुआ है। आज क्या हमें मिस किया तुमने? हमें मिस किया? हाँ तुम्हें मिस करना चाहिए था भाई साहब मुझे। नहीं हमने तो किया ही किया, तुमने किया करने वाला भाई। ये मैं बताता हूँ, ये बहुत टोंट मार रहा है सुबह से। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग एलविस यादव को लेकर क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।